खबरों में आगे बढ़ेंगे। उत्तराखंड के रुड़की के एक निजी हॉस्पिटल में ऑक्सीजन न मिलने से 5 लोगों की मौत का मामला सामने आया है। इस मामले के उजागर होने के बाद रुड़की के ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने जांच के आदेश दिए हैं। बताया जा रहा है कि मंगलवार की बीती देर रात अस्पताल प्रबंधन द्वारा मरीजों के तीमारदारों को बताया गया कि ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। बाद में मरीजों की मौत होने के बाद अब जांच के आदेश दिए गए हैं। रुड़की के विनय विशाल अस्पताल में करीब 80 कोविड मरीजों का उपचार चल रहा है, जिसमें से कई मरीज ऑक्सीजन पर हैं। मंगलवार देर रात करीब 12:30 बजे अस्पताल चिकित्सकों द्वारा मरीजों के तीमारदारों को बताया गया कि अस्पताल में ऑक्सीजन खत्म होने वाली है। तीमारदारों से कहा गया कि वे मरीज को कहीं और ले जाएं। अस्पताल के आदेश के बाद अफरा तफरी मच गई। रात करीब 2 बजे ऑक्सीजन खत्म हुई तो कुछ लोगों के प्रयास से छोटे ऑक्सीजन सिलेंडरों का इंतजाम अस्पताल प्रबंधन ने किया। इसके बाद मरीजों को ऑक्सीजन देने का प्रयास किया गया, लेकिन देर रात करीब 3 बजे तक ऑक्सीजन भी समाप्त हो गई। बाद में किसी तरह सुबह 5 बजे जाकर ऑक्सीजन का इंतजाम हो पाया और मरीजों को ऑक्सीजन मिल पाई। हालांकि इस बीच 2 घंटे में 5 मरीजों की जान चली गई। अस्पताल ने मरीजों के तीमारदारों को बताया कि उन्हें मिलने वाला ऑक्सीजन का कोटा सरकार की ओर से आधा कर दिया गया है, लेकिन इसी बीच सुबह 3 बजे से 5 बजे के बीच 5 मरीजों की मौत हो गई। वहीं ज्वाइंट मजिस्ट्रेट नमामि बंसल ने बताया कि मामला गंभीर है और इसकी मजिस्ट्रेट जांच के आदेश दिए गए हैं। इस जांच समिति में प्रशासन के अलावा मेडिकल एक्सपर्ट्स को भी रखा गया है। जांच की रिपोर्ट सामने आने के बाद ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। सामाजिक कार्यकर्ता हूं। मेरे गांव का एक लड़का परीक्षित सुनोप नथलू, जिसको 28/4 को बुखार की समस्या हुई। 28/4 को जब बुखार की उसको समस्या हुई तो इन्होंने जो है उसको विनय विशाल हॉस्पिटल में जो है भर्ती करा दिया 28 तारीख को। अब परसों 3 तारीख को रात को वेंटिलेटर पे 28 तारीख को उन्होंने जांच की। जांच के दौरान डॉक्टर ने बताया कि इसको सांस लेने में दिक्कत है। उसको सांस लेने में दिक्कत की वजह से उसको वेंटिलेटर पे उन्होंने आईसीयू में भर्ती कर दिया। फिर परसों 3 तारीख को 3/5 को उसको इन्होंने ऑक्सीजन नहीं दी गई। अब आगे क्या चाहते हैं आप, ये बताओ। आगे ये चाहते हैं कि इस प्रबंधन के खिलाफ, इस डॉक्टर के खिलाफ मुकदमा, हत्या का मुकदमा दर्ज हो। विनय विशाल अस्पताल का ये पूरा मामला है, जहां पर देर रात अचानक ऑक्सीजन खत्म होने से 5 मरीजों ने दम तोड़ दिया।